एक ओर यहाँ पूरे उत्तर भारत में कड़ाके की ठंड ने लोगों को घरों में दुबकने पर मजबूर कर दिया है, वहीं सचखंड श्री हरमंदर साहब में आने वाले श्रद्धालुओं की राह को रोकने में घनी धुंध भी असफल रही। सचखंड श्री हरमंदर साहब को घने कोहरे ने अपनी चादर में ओढ़ रखा है। इस विहंगम दृश्य को देखकर यहाँ पहुँचे श्रद्धालु खुद को भाग्यशाली मान रहे हैं। श्रद्धालुओं का कहना है कि दिसंबर महीने में तो सभी लोग ठंड का मजा लेने हिल स्टेशनों की ओर जाते, लेकिन यहाँ आकर उन्हें ये आभास होगा कि यहीं अगर स्वर्ग है तो सिर्फ यहीं पर है। अमृतसर से ललित शर्मा की खास रिपोर्ट। बहुत बढ़िया लगा, मीह पैना, मौसम एकदम चेंज हो गया, पर सचखंड श्री हरमंदर साहिब दे दर्शन द्वारे खुले हुए तो संगत दी आमज विच कोई फर्क नहीं पाया। जिनी टीम की संगत है उदा ही डेली जिन्ना मस्तक होना आना वा सचखंड श्री हरमंदर साहब वो अपने आ रहे हैं। अपना नाम सेवा का गुरु रामदास जी, सुभाल पिंड तो आया जी। अच्छा बहुत आनंद आ रहा है भाई, ये गुरु महाराज दर्शन होने जन्म मरते तो फटे जाते भाई जी। ये जिन्ना मर्जी मीने की दिखाण हो, ठंड हो, गर्मी हो, परमेश्वर के दर्शन जिन्ना करने हो गए आप खाल हो रहा भाई जी। शुकराना गुरु का, कोट कोट शुकराना, इन्ना आनंद है कि वह कोई जान नहीं कर सकता, बहुत सोहना। ये तो गुरु के प्यार की खिच है सारी, कहते ना कि बर्फ ही पैंती होगी, मीह वर्षा हो गए तो ही गुरु के दर्शन आवेंगे।